श्री राम और सीता के विवाह में बाबा महाकाल का लड्डू प्रसाद बटेगा। जी हां, नेपाल के जनकपुर में भगवान श्री राम सीता के विवाह आयोजन में महाकाल मंदिर से 1,11,111 लड्डू पहुंचाए गए हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम का विवाह है और उज्जैन का योगदान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उज्जैन के महाकाल मंदिर से एक बार फिर लड्डू प्रसाद भगवान श्री राम के लिए पहुंचाया जा रहा है। दरअसल इस बार प्रसंग श्री राम सीता विवाह महोत्सव का है। इसके पहले अयोध्या राम मंदिर लोकार्पण के दौरान भी महाकाल मंदिर से 5,00,000 लड्डू भेजे गए थे। गुरुवार को इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार से 1,11,111 लड्डू प्रसाद के ट्रक को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भगवा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वर्ष का भगवान राम का विवाह प्रसंग भी और धूमधाम से होगा, और अगर इतना बड़ा धार्मिक आयोजन और हमारा योगदान भी कैसे हो सकता है, तो बाबा महाकाल के प्रांगण से 1,11,111 लड्डू पहुंचाने का जो निर्णय, बहुत बधाई। पंडितों ने शंख डमरू बजाकर मंत्र उच्चारण किया। यह ट्रक अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। अयोध्या से लड्डू प्रसाद मिथिला नेपाल पहुंचाया जाएगा। भगवान महाकाल के भोग प्रसाद के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति बेसन के शुद्ध घी के लड्डू प्रसाद तैयार करती है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकर ने बताया कि महाकाल मंदिर से 1,11,111 लड्डू प्रसाद अयोध्या पहुँचाया जाएगा। इस बार अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह महोत्सव, राम जानकी विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। तो इस बार उनके द्वारा आग्रह किया गया था कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से कुछ गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप कुछ प्रसाद मिथिला जनकपुर भेजा जाए। उसी कड़ी में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मंशानुरूप ये 1,11,000 लड्डू हम प्रसाद के रूप में मिथिला जनकपुर उनके विवाह समारोह हेतु भेज रहे हैं। इसके पहले भी भेजे थे, वो क्या प्रसंग था? पूर्व में भी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उस समय 5,00,000 लड्डू भी महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अयोध्या भेजे गए। प्रदेश सरकार की कैबिनेट और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेकवाल ने कहा कि बाबा महाकाल के भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यह लड्डू प्रसाद भिजवाया जा रहा है, जो कि हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम की बारात में यह लड्डू प्रसाद बटेगा। भगवान श्री राम के विवाह महोत्सव पर महाकाल के भक्त हमारे बड़े भाई यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में माता सीता की जन्मस्थली मिथिलेश नगरी में महाकाल बाबा की ओर से 1,11,111 लड्डुओं का प्रसाद पहुंचाया जा रहा है, जो राम लला के अयोध्या से होकर के निकलेगा। बहुत अच्छा अवसर है, बहुत सौभाग्य का अवसर है, साथ ही उज्जैन वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, ये मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। अब उज्जैन वासियों को इंदौर नहीं जाना होगा, यहाँ सारी सुविधाएं, मेडिकल की सब सुविधाएं उनको उपलब्ध होगी। मैं सम्मानीय मोहन जी यादव जी को और उज्जैन के उज्जैन ज़िले के सभी विधायकों को, उज्जैन ज़िले के विधायक जी को, उज्जैन के महापौर को और उज्जैन के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या से यह प्रसाद 26 नवंबर को जनकपुर के लिए राम बारात के साथ जाएगा। राम बारात बिहार होकर नेपाल 3 दिसंबर को पहुंचेगी, जहां 9 दिसंबर को माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह महोत्सव होगा। विवाह अवसर पर महाकाल का लड्डू प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।